तो पहला स्टॉप हम लोगों ने लिया है ये वॉल्ट व्हाइटमैन, एक रेस्ट एरिया है। यहाँ पर थोड़ा सा कॉफ़ी वगैरह पिया जाएगा क्योंकि थोड़ी सी नींद आ रही थी। क्या करना है, स्टारबक्स तो बंद है। हाँ, और आगे मिलेगा? या नेक्स्ट टाइम। तो यहाँ कॉफ़ी तो नहीं मिली। हाय गाइस, रोनवीर दी है, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप सब लोगों को। राजा भी हमारे साथ है और हम लोग आज जा रहे हैं एक बिजनेस ट्रिप पे। ये बिजनेस ट्रिप किस बारे में, वो आपको मैं किसी और दिन आराम से किसी और व्लॉग में बताऊंगा। लेकिन हम लोग सुबह सुबह हम लोग निकले थे अराउंड 5:30। राजा कितने बजे निकले? 5:30, 5:40। निकलने वाले थे हम लोग कुछ 4 बजे तक, बट उठते उठाते थोड़ा लेट हो गए और हम लोग निकल गए हैं वर्जीनिया के लिए। जा रहे हैं वर्जीनिया बीच और वहाँ पर जाके जो कुछ हमारा जो सामान है वो डिलीवर करना है और फिर वहाँ पर आज शाम को चिल करेंगे, रिलैक्स करेंगे और फिर आप लोग को दिखाएंगे कि वर्जीनिया बीच के सराउंडिंग और आजू बाजू के एरियाज़ के नज़ारे कैसे हैं। व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। पहले स्टॉप पर रुके थे, कॉफ़ी वगैरह मिली नहीं, स्टारबक्स बंद था। यार ये स्टारबक्स हमेशा बंद रहता है? It's too early. यार सुबह सुबह तो स्टारबक्स पीते हैं। It's a truck stop, they don't open until 8 o'clock. तो अभी बंद था स्टारबक्स, तो अभी हम लोग दूसरी जगह जा रहे हैं। राजा को तो ये रेगुलरली ट्रिप लगी रहती है तो उसको ज़्यादा पता है इस चीज़ के बारे में, मुझे पता नहीं है। पहली बार राजा के साथ निकला हूँ, उसको अपने बिजनेस ट्रिप करनी थी और मैंने सोचा कि चलो मैं भी चलता हूँ साथ में और व्लॉग बन जाएगा मेरा एक और आप लोग को भी घुमा दूंगा थोड़ा सा। बहुत टाइम से वही रेगुलरली अपने घर के आजू बाजू न्यूयॉर्क सिटी या इधर उधर जा रहा हूँ, वैसे वाले व्लॉग्स आ रहे थे। एक छोटी सी ट्रिप है वर्जीनिया के लिए और अभी नेक्स्ट स्टॉप जो आएगा वो वहाँ पर रुक के कॉफ़ी पियेंगे और देखते हैं। कहाँ पर है नेक्स्ट स्टॉप ये? डेलावेयर। डेलावेयर वाटर गैप, जर्सी, डेलावेयर, मैरीलैंड, वर्जीनिया। चलो भाई ये दूसरा स्टॉप है। हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है और चॉकलेट कैरमल ले लिया मैंने। यार्ड प्रॉब्ली और लाइक गैराज, घर का गैराज होगा ना ये। आप लोगों को तो पता ही है कि हमेशा मैं लेट क्यों होता हूँ, ट्रैफिक में फंसता हूँ या न्यूयॉर्क जाते हो तो आप लोगों को तो मालूम ही है। बट आज हम लोग कितने बजे पहुँचने वाले थे आज? 10:30 10:30 बजे पहुँचने वाले थे और अभी कितने बजे पहुँच रहे हैं? 12:00 क्यों पहुँच रहे हैं आप लोग के सामने है ये बारिश और जगह बहुत खुली है, रोड्स एकदम क्लीन है, किसी बात की टेंशन नहीं है, आराम से गाड़ी चल रही है। बट हाँ बारिश की वजह से गाड़ी स्लो ज़रूर चल रही है। तो जहाँ पर हम लोग 10:30 पहुँचने वाले थे वहाँ 12:00, 1.5 घंटे का जो टाइम डिफरेंस हो गया है जस्ट बिकॉज ऑफ द हेवी रेनफॉल। और आज ऐसा लग रहा है कि सारा दिन बारिश होने वाली है तो बीच पर नहीं जा सकूँगा।
ये हमारा थैंक यू पहला स्टॉप है वॉफल हाउस, मेरा फेवरेट लाइक अच्छा खाना मिलता है वहाँ। चिकन है मेरे लिए और एग ब्रेड ग्रेट्स एंड सम आइस टी, खाया जाएगा और यहाँ से निकला जाएगा। भाई साहब डाइट पे रहते हैं तो लिक्विड डाइट चल रही है एक दिन के लिए, एक दिन के दो दिन, एक या दो दिन, फिर उसके बाद एक दिन सॉलिड, फिर बैक टू लिक्विड, फिर गो ऑन एंड ऑफ, गॉट टू लूज वेट। आई डोंट नो हाउ यू डू इट, आई डोंट मैन, यू गेट यूज्ड, हाउ यू आर डूइंग इट, यू गेट यूज्ड टू इट, मुझे नहीं हो पाएगा। तो फाइनली पूरा दिन काम करने के बाद हम लोग पहुंच गए यहाँ पर डबल ट्री, और बहुत ही विंडी था और बहुत जोरों की बारिश हो रही थी, इसलिए मैंने पूरी दोपहर व्लॉग नहीं किया। जब हम लोग ने खाना खाया था उसके बाद हम लोग काम पे चले गए। भाई साहब को कुछ आइटम्स ड्रॉप करनी थी कहीं, तो ड्रॉप वगैरह की और उसके बाद इधर उधर थोड़ा सा इंक्वायरीज वगैरह लेनी थी राजा को, तो वो सब ली। और बारिश ज़्यादा हो रही थी इसलिए मैंने अपना कैमरा निकाला नहीं, और इंस्टाग्राम पे मैंने कुछ पोस्ट डाले थे, दैट्स इट। और अभी हम लोग यहाँ होटल आए हैं, होटल में जाके फ्रेश होते हैं और कुछ खाना पीना खाने के। थक गया तू? नॉट रियली, यह तू तो कर लेगा ड्राइव। मैं रात से एक घंटा ही सोया हूँ, तुझे आदत है। आई लिव किंग लाइफ। कुकी एक खाई नहीं, एक वाले क्यों? नहीं मैंने एक ही खाया, मैं नहीं ज़्यादा मीठा नहीं खाता यार। आना खाना पीने खाने के लिए, तू तो कुछ खाएगा नहीं, तू तो लिक्विड डाइट पे, यहाँ पर है, इधर आ जा। भाई हाँ रूम टूर दे देता हूँ पहले, दो बेड है यहाँ पर, टीवी, राजा, बिग मिरर, वेरी नाइस, हेलो, बाथरूम, दैट्स इट। रूम में सारा सामान और रख दिया, और अपनी हालत पे मत जाना क्योंकि फेस वॉश भी नहीं किया है, और नीचे जो रेस्टोरेंट है वो बंद हो जाएगा, इसलिए पहले जाके पेट पूजा कर लेते हैं, थोड़ा खा लेते हैं और उसके बाद नहा के सोया जाएगा। ये रहा अपना स्पोर्ट्स बार एंड ग्रिल, यहीं जाते हैं। भाई ये तो बहुत सैड लग रहा है, आज वैसे भी ट्यूसडे है। येप। ओह यू ऑन टीवी? आई एम ऑन टीवी। ओके वेल सिट राइट ओवर देयर एंड आई एम नॉट ऑन, आई एम गुड। सिट यू राइट ओवर देयर। व्हाट्स अप अबाउट योर चैनल? सो हाउ आर यू डूइंग दिस इवनिंग? चलो भाई फाइनली खाना आ गया, खाना खाया जाए। थैंक यू सो मच। मैंने तुझे बोला था कि मैं इतना नहीं खाऊंगा। ओह वाओ योर सैलेड, तेरा सैलेड मस्त लग रहा है। पास्ता, चिकन पास्ता एंड वेज सैलेड, राइट? मुंह में पानी आ रहा है और यहाँ पर मम्मी से बात चालू है। Thank you. Have a great day. Thank you so much. Thank you. Good morning. कल रात को जो सोया हूँ मैं, खाना खाने के बाद रूम में गए और जो आला एक मतलब बेहोश, बहुत मजा आया। अभी ओह यार इट इज अगेन, चल ठीक है बारिश ही है। और अभी यहाँ से होटल से पानी लिया, कुकी लेके निकल गए, चालू आज भी बारिश। वैसे कल रात को जब मैं सोने लगा था तो भाई साहब बोलते हैं कि वर्जीना बीच जा रहा हूँ, यहाँ से कुछ 5 मिनट की दूरी पे ही है, वहाँ पर जाके बोर्ड वॉक करूँगा, बोर्ड पे वॉक करूँगा। तो गया कि स्लीप में वॉक कर रहा था। नहीं गया। आई नो बहुत सारे लोगों की कमज़ोरी होगी मीठा, मेरी भी कमज़ोरी है। एक बार खाने बैठता हूँ ना फिर रुक नहीं पाता हूँ, मैं पूरा गेम ओवर करके छोड़ूंगा। अगर आप लोग को याद होगा जब मैं अपनी गाड़ी खरीद रहा था वो शोरूम में जहाँ पर स्टीवन ने सलमान भाई की गाड़ी ठोक दी थी, और उसके बाद क्या हुआ सलमान भाई की गाड़ी का
उसका अपडेट मैंने किसी को नहीं दिया था, क्योंकि बाद सलमान भाई की गाड़ी का खर्चा टोटल $1100 उसका डोर फिक्स करने का, और $300 जब वो गाड़ी जाएगी मैकेनिक के पास, डेफिनेटली लोकल मैकेनिक के पास गाड़ी लेके नहीं जा रहे, वो लेके जाएंगे प्रॉपर डीलर के पास, तो 3 दिन गाड़ी वहाँ पर रखेंगे, 3 दिन रेंट कार लेनी पड़ेगी, उसके कुछ $300, तो अगर आप सोच लो 11 और 3 कितने हो गए, $1400 सलमान भाई को खर्चा आ रहा था। बट सलमान भाई ने स्टीवन को कॉल किया, स्टीवन ने बताया कि यार वो कॉलेज स्टूडेंट है और इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर पाएगा। पहले उसने $600 भेजे थे, वो भी 4-5 दिन बाद आए, उसने जील किया था बैंक टू बैंक, जो कि फटाक से एक दिन में हो जाता है, बट उसको दिन लग गए 4 से 5 दिन। तो सलमान भाई समझ गए कि यार लड़के के पास पैसे नहीं है, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं जाने देते हैं। और अब भी मुझे पता नहीं, मैंने बाद में मैंने सलमान भाई से डिटेल भी नहीं ली कि उन्होंने उनकी गाड़ी फिक्स की है कि नहीं की। और अभी हम लोग यहाँ पर पहुँच गए, कहाँ पर आए भाई, वर्जीनिया बीच, और यहाँ पर अभी हम लोग डंकिन डोनट्स में, डोनट्स नहीं खा रहे हैं हम लोग, यहाँ पर कॉफ़ी ले रहे हैं। एंड फर्स्ट टाइम ये आपने कुछ कॉफ़ी ऑर्डर की है, ये थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये जो कॉफ़ी है ट्राई करने वाला हूँ, वॉट फ्लेवर इज दिस, कैरमल, इट्स गुड। देखो अगर जो भी कॉफ़ी पीता है प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि कॉफ़ी पीने के बाद आपको नींद आती है कि नहीं आती है। मुझे तो बिल्कुल नहीं आती है। कॉफ़ी पीने के बाद तो जाग जाता है। Actually, I can go to sleep too right away like this. Yeah, मतलब वो बोलते हैं ना कैफीन हिट करता है, तो आज तक मेरे साथ नहीं हुआ। मैंने डबल एक्सप्रेसो शॉट्स भी लिए हैं, बट फिर भी ऐसा बोलते हैं ना कि भाई आप एकदम, आई डोंट नो, अगर कोई भी कॉफ़ी ड्रिंकर है और कॉफ़ी पीने के बाद ऐसा जाग जाते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना इज इट ट्रू और नॉट। ओनली इफ यू ड्रिंक कॉफी लाइक ब्लैक, ब्लैक कॉफी, या दैट हिट्स यू। भाई ये व्यू हम लोगों ने आते वक्त भी देखा था, और ये चीज़ पिक क्या बोलते हैं, चेस पैक, ये ब्रिज है, मतलब आई थिंक सो 4-5 माइल की डिस्टेंस कवर करता होगा, पूरे समुंदर के बीचों बीच है। अभी हम लोगों ने $14 जो इस ब्रिज का टोल है वो दिया। द रीज़न दे टेक सो मच मनी इज मेंटेनेंस इतनी हाई रहेगी इस ब्रिज की कि आप लोग बता ही सकते हैं देख के, मतलब बहुत दूर तक फैला हुआ है, बहुत ही दूर तक। मैं सोच रहा था ड्रोन शॉट लूँ, लेकिन बारिश हो रही है इसलिए मैं ड्रोन भी नहीं ले रहा, वरना यहाँ पर रुकाता था और अच्छे से आप लोग को एक ड्रोन शॉट लेके दिखाता था। और वैसे भी अगर ड्रोन उड़ाऊँगा तो ऊपर जाते ही यहाँ पर फॉग है, तो फॉग से कुछ दिखेगा नहीं। अगर ड्रोन उड़ाऊँ तो बहुत ऊपर तक लेके जाऊँ और वहाँ से आपको नज़ारा दिखाऊँ कि कितना बड़ा ब्रिज है, तो मज़ा आएगा। बट किसी और दिन अगर यहाँ से गुजरता रहा तो ज़रूर आपको दिखाऊँगा। यहाँ से नीचे जा रहा पानी के अंदर और वहाँ से निकल रहा है, पानी के अंदर से जाएंगे चीज पे एक चैनल टनल। हाँ God. Wow. मुझे याद है जब मैं पहली बार 2013 में आया था US, गाड़ी लेके लाइसेंस बनाया था, गाड़ी ली और पहला मेरा स्टॉप था वर्जीनिया, न्यू जर्सी टू वर्जीनिया यहाँ पर आया था, और यही वाला ब्रिज था। That's a damn long bridge. इतना लंबा ब्रिज है यार, It's almost 10 miles. 10 miles? You think so? Easy. देखो भाई बहुत मजा आया राजा के साथ जाकर, और ये वर्जीनिया बीच की जो ट्रिप मारी, बीच में गया नहीं, आप लोगों को पता है क्या रीज़न था, और ऐसी छोटी ट्रिप्स अगर हो सके तो मैं लगाता रहूँगा राजा के साथ, बट कोशिश करूँगा कि जहाँ पर भी हम लोग जाते हैं उस जगह पे राजा अपने काम पे निकल जाए और मैं उस जगह को थोड़ा एक्सप्लोर करूँ और आप लोग को दिखाऊँ, और ट्रिप की ट्रिप भी हो जाएगी और व्लॉग भी बन जाएंगे और मैं आपको अलग अलग जगह भी दिखा पाऊँगा। ओके, वीडियो को इधर तक ही रखता हूँ, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी है, एंड दैट्स अबाउट इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप मोटिवेटिंग, आई लव यू ऑल, एंड प्लीज़ बी सेफ, बाय बाय।